हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके 21 से लेकर के 30 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, पहले नंबर पर है आपका कठनमुड़ी गुफा। कठनमुड़ी गुफा जो कि मौजूद है आपके केशकाल कोंडागांव जिले के केशकाल में, एक नवीन गुफा का खोज हुआ है। इस गुफा का नाम है आपका कठनमुड़ी। इस गुफा में हमें कुछ नए शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, कठनमुड़ी की गुफा केशकाल कोंडागांव, अभी हाल फिलहाल में ये गुफा चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इस आपकी गुफा में आदि मानव काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इस कठनमुड़ी गुफा में अभी हाल फिलहाल में आदि मानव काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, इसमें विशेष क्या है, इसमें जो आपके जो शैल चित्र बने हुए हैं ये लाल रंग के बने हुए चित्र है। जब आपके पुरातात्विक वेत्ता के द्वारा जब इस शैल चित्र को पानी से धोकर के देखा गया तो इसका रंग जो है और उभर के और निखर करके सामने आया, यानी कि इतने प्राचीन शैल चित्र जिनके रंग में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक, देखिए, ये जो आपके शैल चित्र है जिसमें हमें तत्कालीन आदि मानव के जीवन शैली की जानकारी मिलती है। इतिहासकार इन शैल चित्रों को देख करके प्रथम दृष्टतया या अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो शैल चित्र है ये महापाषाणकालीन शैल चित्र है। ठीक है, महापाषाणकालीन शैल चित्र है जिससे हमें उस समय के तत्कालीन आदि मानव के जीवन शैली की जो है जानकारी इस शैल चित्र से हमें प्राप्त हो रही है। देखिए, ये जो आपके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, इन शैल चित्रों में आपके मानव और चौपाय जानवर का एक चित्र है, इसके अलावा मानव बालक का शैल चित्र है और आपके जानवरों का शिकार करते हुए कुछ मानव समूह का शैल चित्र इस स्थान से हमें प्राप्त हुआ है। यह खोजा गया एक नवीन स्थल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कठनमुड़ी की गुफा किस जिले में है पूछा जाए, कोंडागांव जिले में, केशकाल कोंडागांव, जहां से हमें आदि मानव काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन शैल चित्रों में आपके मानव चौपाय जानवर का मतलब चार पैरों वाला जानवर, मानव बालक और आपके जानवर का शिकार करते हुए मानव समूह का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक, देखिए, नेक्स्ट है आपका खालबेदी शैल चित्र जो कि आपके कोंडागांव जिले में है। देखिए, खालबेदी एक आपका गांव है, कोंडागांव जिले के अंतर्गत एक खालबेदी नामक स्थान है, खालबेदी ग्राम। देखिए, इसका जो आपके स्थानीय जो आपके आदिवासी है या यहाँ वहाँ के रहने वाले जो स्थानीय आपके जो लोग हैं वो इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। इसे उन्होंने नाम दिया है सिंगारिन मट्टा। वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है या जो वहाँ के स्थानीय आदिवासी है वो इस खालबेदी स्थान को सिंगारिन मट्टा कहकर के भी पुकारते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रंगीन पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पर भी आपके रंगों से, लाल रंगों से बहुत सारे शैलचित्र बने हुए हैं। इस कारण से उन्होंने इस खालबेदी की पहाड़ी को नाम दे दिया है आपका सिंगारिन मट्टा। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके रंगीन पहाड़ी। यहां से भी हमें कुल शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, यहां पर जो आपके शैल चित्र है उसमें सांकेतिक लिपि यानी कि चित्रों के माध्यम से सांकेतिक लिपि में आपके प्राकृतिक प्रेम, आखेट, नृत्य के प्रति इनका लगाव, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में इनका स्थानांतरण, तथा देखिए, ध्यान से समझिएगा, नृत्य के प्रति लगाव, इसको आगे और हम देखेंगे। तो यहाँ जो है आपके इन जो पहाड़ों में बने हुए जो शैल चित्र है, खालबेदी की पहाड़ी जहाँ पर ये शैल चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, इन शैल चित्रों में सांकेतिक लिपि में प्राकृतिक प्रेम यानी कि पेड़ पौधे, वृक्ष, इसके अलावा जो आपके जानवर है उनके प्रति इनका प्रेम, आखेट यानी कि शिकार, नृत्य के प्रति इनका लगाव यानी कि नृत्य करते हुए कुछ मानव समूह की आकृति बनी हुई है, अप्रत्याशित घटना यानी कि बाढ़, भूकंप, ये सभी के सभी अप्रत्याशित घटना है, मौसम परिवर्तन, तो अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका स्थानांतरित होना यानी कि ट्रांसफर होना, ये सारा जो अंकन हमें जो है इन खालबेदी की पहाड़ी से प्राप्त होते हैं जो कि कोंडागांव जिले में है। देखिए, नृत्य के प्रति इनका लगाव का मतलब समझिएगा, यहां पर जो है आपके दो पंक्ति में चार मानवों की आकृति प्राप्त हुई है, यानी कि
यहां पर चार मानव और यहां पर चार मानव, यानी कि दो पंक्ति में चार मानव की आकृति प्राप्त हुई है जो कि नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे वहां के जो आपके ग्रामीण है इसे अपने स्थानीय नृत्य रीलो नृत्य से जोड़ करके देखते हैं। रीलो नृत्य जो कि आदिवासी अंचल में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। रीलो एक गीत भी है और रीलो एक नृत्य भी है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो यहां पर जो एक शैल चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें दो पंक्ति में चार मानवाकृति बनी हुई है जो कि स्थानीय रीलो नृत्य के समान प्रतीत होते हैं। ठीक, तो यह है आपके खालवेदी की पहाड़ी। नेक्स्ट देखिए, इको एथनिक ट्राइब रिसोर्ट, जो आपके ट्राइबल टूरिज्म सर्किट यानी कि जनजातीय का जो सर्किट बनाया जा रहा है पूरे भारत भर में आपके स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, तो उसके ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत आपके इको एथनिक ट्राइब रिसोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। इको का मतलब होता है आपके हिल स्टेशन पर बनने वाले रिसोर्ट, और एथनिक का मतलब होता है आपका नृजाति संस्कृति यानी किसी आपके संस्कृति किसी एक जनजाति विशेष के जीवन शैली पर आधारित उनके संस्कृति पर आधारित रिसोर्ट। तो यह होता है आपका इको एथनिक ट्राइब रिसोर्ट। देखिए उनका कुछ लोकेशन थोड़ा सा ट्रेस करते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले नंबर पर है बैगा एथनिक रिसोर्ट जो कि कबीरधाम कवर्धा जिले में है। बैगा जनजाति जो कि हमारे प्रदेश में मैकल रेंज में यानी कि मैकल पर्वत श्रेणी पर निवास करती है। इस मैकल श्रेणी का विस्तार जो है आपका पूरा का पूरा राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, गोरिल्ला, पिंडरा, मरवाही और कुछ बिलासपुर क्षेत्र में भी है। तो ये जो आपका बैगा जनजाति के जीवन शैली पर आधारित एक एथनिक रिसोर्ट स्थापित किया गया है आपके कबीरधाम में। दूसरा है आपका धनकुल एथनिक रिसोर्ट। धनकुल जो है एक पर्व भी है एक नृत्य भी है। ये जो धनकुल जो है, धनकुल आपके परजा और भत्रा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। देखिए ये जो आपका धनकुल एथनिक रिसोर्ट है इसकी स्थापना की गई है आपके कोंडागांव जिले में। नेक्स्ट है आपके दंडामी रिसोर्ट। दंडामी जो कि आपके माड़िया जनजाति का ही एक प्रकार है, एक होता है अबुज माड़िया, दूसरा होता है दंडामी माड़िया, तो वही है आपके दंडामी रिसोर्ट जो कि इसकी स्थापना की गई है बस्तर में। उसके बाद है आपका सैला रिसोर्ट जिसकी स्थापना की गई है आपके सरगुजा में। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कुर्दर हिल इको रिसोर्ट। कुर्दर जो कि एक पहाड़ी है, कुर्दर हिल इको रिसोर्ट जिसकी स्थापना की गई है बिलासपुर में। और एक है आपका हरेली, हमारे प्रदेश में मनाया जाता है हरेली पर्व, हरेली इको रिसोर्ट जिसकी स्थापना की गई है आपके बारनवापारा में। तो ये हमारे प्रदेश के कुछ प्रमुख रिसोर्ट है जिसका नाम आपको याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। बैगा एथनिक रिसोर्ट कवर्धा, धनकुल एथनिक रिसोर्ट कोंडागांव, दंडामी रिसोर्ट बस्तर, सैला रिसोर्ट आपका सरगुजा, उसके बाद कुर्दर हिल इको रिसोर्ट जो कि है बिलासपुर, और हरेली इको रिसोर्ट जो कि मौजूद है आपके बारनवापारा में। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य एसटी और ओबीसी आयोग संशोधन विधेयक। अभी हाल फिलहाल में एक विधेयक लाया गया था जिस पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है। देखिए ये एक संशोधन विधेयक था। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य में आपका पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 है, ठीक है। हमारे प्रदेश में जो है आपका जो ये आयोग का जो अधिनियम अपनाया गया था वो है आपका, देखिए जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था तो जो मध्य प्रदेश में जो आयोग अधिनियम का गठन किया गया था उसे ही हमने छत्तीसगढ़ में अपनाया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 अधिनियम लागू है। तो देखिए इसमें अभी संशोधन किया गया है आपका छत्तीसगढ़ एसटी और ओबीसी आयोग संशोधन विधेयक जिस पर आपके राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया है। देखिए एसटी का मतलब होता है आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, और ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इन दोनों के आयोग से संबंधित एक विधेयक जो है इसे पास किया गया है और राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। देखिए संशोधन में क्या प्रावधान किया गया है, पहले क्या था कि ये दो आयोग जो होते थे इन दोनों आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन इसमें जो है अब संशोधन के पश्चात चार अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जा सकती है। चार अन्य सदस्य अशासकीय क्षेत्र के सदस्यों की नियुक्ति जो इन क्षेत्रों की जानकारी रखते हो, इन क्षेत्रों की जानकारी मतलब अगर आपका एसटी आयोग में इन चार सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है
तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों के जानकार हो, ओबीसी से संबंधित आयोग में अगर इन चार सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है तो ये चार सदस्य जो है आपके अशासकीय क्षेत्र के तथा आपके अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो मामले है उसकी जानकारी रखते हो। ठीक, तो पहले जो है आपके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती थी, लेकिन इस संशोधन विधेयक के पश्चात अब चार अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी जो पद है ये राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत होंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये सभी के सभी पद पर जो राजनीतिक जो नियुक्तियां है ये राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी और राज्य सरकार जब चाहे इन्हें इनके पद से हटा सकती है, यानी कि ये राज्य सरकार के प्रसाद पर्यंत होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब से जो आयोग है इसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष के साथ साथ चार अशासकीय क्षेत्र के सदस्यों की नियुक्ति जो कि संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए मामले की जानकारी रखते हैं इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही विवाद। अभी हाल फिलहाल में जो हमारा नवीन गठित जिला है यानी कि जो 28वां जिला है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, इससे संबंधित कुछ विवादित मामले हैं उसे थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। देखिए गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, अभी हाल फिलहाल में देखिए ये विवाद उठा कैसे इसे समझिए। मुख्यमंत्री के द्वारा नगर पालिका बनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नगर पालिका बनाए जाने की घोषणा की गई थी कि गोरिल्ला पेंड्रा को जो है आपके जो नगर पंचायत है उसे नगर पालिका बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो मरवाही है, मरवाही जो कि ग्राम पंचायत है उसे ग्राम पंचायत से अब नगर पंचायत बनाया जाएगा। यह घोषणा आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी और विवाद यहीं से उठा। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही है इसमें आपका गोरिल्ला है, पेंड्रा है और मरवाही। ठीक, देखिए जो गोरिल्ला और पेंड्रा है ये दोनों के दोनों आपके नगर पंचायत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया कि ये जो आपके जो दो आपके नगर पंचायत है गोरिल्ला और पेंड्रा, अब इन्हें जो है आपके नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। देखिए दो निकाय होते, एक होता नगरीय निकाय और दूसरा होता ग्रामीण निकाय। नगरीय निकाय जिसमें आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत होता है। ग्रामीण निकाय जिसमें आपका ग्राम पंचायत, जिला ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत होता है। तो ये आपके निकाय के स्तर है। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और आपके शहरी स्तर पर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये होते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया कि ये दोनों जो आपकी नगर पंचायत है इसे नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा, तो ये सही था। लेकिन जो आपके मरवाही को ग्राम पंचायत से हटा करके इसे नगर पंचायत बनाए जाने की जो घोषणा थी इस पर राज्यपाल के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए ये विवाद का कारण क्या था और प्रतिबंध लगाया क्यों गया इसे समझिएगा। ये जो अगर आप देखेंगे जो गोरिल्ला पेंड्रा है ये क्या है, नगर है, यानी कि नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय है, तो इसे नगर पंचायत से नगर पालिका तो बनाया जा सकता है, यानी कि जो आपके नगरीय निकाय के जो तीन स्तर है, एक है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो नगर पंचायत से इसे नगर पालिका बनाया जा सकता है। लेकिन एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तित करना, यानी कि ग्रामीण निकाय से उसे नगरीय निकाय में परिवर्तित करना, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये ग्रामीण निकाय है और ये आपका नगरीय निकाय है। तो ग्राम पंचायत मरवाही को अब नगर पंचायत में परिवर्तित करने की जो घोषणा की गई थी इस पर जो है आपका प्रतिबंध लगाया गया राज्यपाल के द्वारा। क्यों लगाया गया समझिए, उसका कारण क्या था। ये जो आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही है ये संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत एक अनुसूचित क्षेत्र है, एक अनुसूचित क्षेत्र है। देखिए अभी तक जो है हमारे प्रदेश में 13 जिले जो है ये पूर्ण रूप से, 13 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहां की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति के आदेश से लागू होती है। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आपके आदिवासी बहुल पिछड़े क्षेत्र आते हैं जिसे अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। इसे भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इन क्षेत्रों का उल्लेख है। ऐसे क्षेत्र जहां पर जो आपका आदेश राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर जारी किया जाता है। ठीक, तो देखिए ये जो आपके हमारे प्रदेश में इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इन अनुसूचित क्षेत्रों में 13 जिले पूर्ण रूप से शामिल है जबकि जो 6 जिले है वो आंशिक रूप से शामिल है। तो ध्यान दीजिए ये जो 13 जिले जो पूर्ण रूप से शामिल थे वो कौन कौन से थे, 7 जिले बस्तर संभाग के, बस्तर संभाग के 7 जिले का मतलब एक हो गया आपका कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बीजापुर, सुकमा और एक आपका नारायणपुर, ये 7 जिले आपके बस्तर संभाग से।
पांच जिले सरगुजा संभाग से, सरगुजा संभाग के पांच जिले यानी कि सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया। तो ये हो गया आपका 7, 5, 12 और एक है आपका कोरबा, तो ये हो गया 13। तो ये 13 जिले पूर्ण रूप से आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, 13 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, जबकि 6 जिले आंशिक रूप से शामिल थे। ये कब की बात है, जब आपके गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का गठन नहीं हुआ था। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिसका मातृत्व जिला है, आप जिसका मातृ जिला है आपका बिलासपुर, बिलासपुर से अलग होकर के बना है। तो जो बिलासपुर जो है ये उन 6 जिलों में जो आंशिक रूप से शामिल है, उन 6 जिलों में से एक था आपका बिलासपुर। और बिलासपुर का जो ये गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जो है यही उन आंशिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता था। पूरा का पूरा आपका बिलासपुर जिला आपका अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं था। बिलासपुर जिले का गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही वाला जो क्षेत्र है ये आपका आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल था। लेकिन अब इन गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को काट करके अलग करके एक नया जिला बनाया गया, यानी कि जो आप जो इससे पहले आपके आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था, अब ये जिला बनने के पश्चात पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के रूप में शामिल हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, कोरबा के पश्चात अब 14वें जिले के रूप में यानी कि आपका इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण रूप से शामिल जिलों की संख्या हो गई है आपके 14। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को भी जोड़े जाने का आदेश जारी कर दिया गया था छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। तो अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी तो उस कार्यवाही को करने से पहले राज्यपाल का परामर्श लेना आवश्यक है। राज्य सरकार डायरेक्टली कोई भी निर्णय इस क्षेत्र के संबंध में नहीं ले सकती। एक निकाय से, देखिए निकाय के अंतर्गत परिवर्तन किया जा रहा है वो ठीक है कि इसे जो है नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिया गया, लेकिन एक निकाय से दूसरे निकाय परिवर्तित करना, ग्राम पंचायत से इसे नगर पंचायत बनाना है, तो इसके लिए राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। ठीक, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में अब जो है पांचवी अनुसूची के अंतर्गत 13 नहीं 14 जो आपके जिले हैं ये पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, नवीन जिला गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को लेकर के। तो अब इस क्षेत्र से संबंधित कोई भी अगर निर्णय राज्य सरकार को लेना है तो उससे पहले उन्हें राज्यपाल से अनुमति लेनी जरूरी है। और यही कारण है कि आपके मरवाही का जो ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा है उस पर राज्यपाल ने रोक लगा दिया है। ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अनुसूचित क्षेत्र जो कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत हमारे प्रदेश में पहले आपके 13 जिले पूर्ण रूप से शामिल थे, 6 जिले आंशिक रूप से शामिल थे, जबकि वर्तमान में आपके 14 जिले पूर्ण रूप से शामिल है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को भी जोड़ दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मरवाही विधानसभा सीट उपचुनाव। मरवाही विधानसभा जो आपका मरवाही जो है ये भी आपका एक विधानसभा सीट है। हमारे प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 90। जो मरवाही विधानसभा सीट है ये अभी हाल फिलहाल में रिक्त हो गया। रिक्त क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सीट है इस सीट से विधायक थे आपके अजीत जोगी जी, जिनका इसी साल आपका निधन हो गया और निधन के पश्चात ये सीट खाली हो गया। इस सीट पर चुनाव होंगे आपके 3 नवंबर को, उपचुनाव होंगे 3 नवंबर को और इसका परिणाम आएगा आपके 10 नवंबर को। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आपका मरवाही विधानसभा सीट है ये एसटी आरक्षित यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है। तो इस पर जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो भी आपके एसटी कैटेगरी के यानी कि आपके अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो आपके व्यक्ति है वही उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे और वही आपके चुनाव जीतेंगे। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो सीट है ये आपके एसटी आरक्षित है। आपके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी थे आपके अजीत जोगी जी, जिनका निधन होने के पश्चात ये सीट खाली हो चुका है। ठीक, उपचुनाव होंगे 3 नवंबर को और आपका परिणाम आएगा 10 नवंबर को। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि हाल ही में प्रदेश के निम्न में से किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तो ध्यान दीजिएगा मरवाही पर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बारसूर के प्राचीन मंदिर संरक्षण, अभी हाल फिलहाल में जो है कुछ मंदिरों के नाम सामने आए हैं जिसे राज्य सरकार के द्वारा उपेक्षा का शिकार होने के कारण ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त या कुछ आपके ध्वस्त होने की अवस्था में पहुंच चुके हैं। देखिए उन मंदिरों में है, इन मंदिरों का संरक्षण कार्य अब प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। उन मंदिरों में है आपका पेदम्मा गुड़ी, दूसरा है सूर्य मंदिर और तीसरा है 16 और 8 खंबा मंदिर। देखिए ये जो पेदम्मा गुड़ी मंदिर है, ध्यान से समझिएगा, इस पेदम्मा गुड़ी मंदिर का निर्माण माना जाता है कि अन्नम देव के काल में इस पेदम्मा गुड़ी मंदिर का निर्माण हुआ। इससे संबंधित 2 किंवदंती है, पहला कि ये जो मंदिर है ये आपके काकतीय शासक अन्नम देव से संबंधित है और दूसरी किंवदंती ये प्रचलित है कि ये जो आपका
पेदम्मा गुड़ी जो मंदिर है ये आपके छिंदक नागवंशीय कालीन है। देखिए काकतीय शासक जो आपके काकतीय शासक थे अन्नमदेव, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। और ये जो पेदम्मा गुड़ी है, पेदम्मा जो शब्द है ये तेलुगु भाषा का शब्द है और इस पेदम्मा का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ी माँ। तेलुगु भाषा में पेदम्मा का शाब्दिक अर्थ होता है आपका बड़ी माँ। तेलुगु में जो आपके काकतीय शासक है वो आपके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से ही हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में प्रवेश किए थे, तो उनके द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया था वो था आपका पेदम्मा गुड़ी। गुड़ी का मतलब होता है मंदिर, तो पेदम्मा गुड़ी और पेदम्मा का जो तेलुगु भाषा का जो शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका बड़ी माँ। देखिए अन्नम देव के द्वारा हमारे प्रदेश में आपके दंतेश्वरी माता के प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि तारला ग्राम में ले जा करके आपकी दंतेश्वरी माता की प्रतिमा स्थापित की गई। और उसी दंतेश्वरी माता के मंदिर के आसपास जो आपका गांव बसा, जो क्षेत्र बसा, उसे दंतेवाड़ा नाम दिया गया। लेकिन एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि अन्नम देव के द्वारा जो दंतेश्वरी माता का जो प्रतिरूप स्थापित किया गया था वो सबसे पहले इसी पेदम्मा गुड़ी मंदिर में स्थापित किया गया था। इस पेदम्मा गुड़ी मंदिर से उसे जो है आपका स्थानांतरित करके तारला ग्राम में लेकर के जाया गया, ठीक है, तारला ग्राम में आपका ले जाया गया। तो देखिए पेदम्मा गुड़ी मंदिर जो कि आपके काकतीय शासक अन्नमदेव संबंधित है, ये मंदिर भी अभी आपका ध्वस्त होने की कगार पर है। प्रदेश सरकार के द्वारा अब इसके संरक्षण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। दूसरा है आपका सूर्य मंदिर, ये भी आपके बारसूर में स्थित है, दंतेवाड़ा जिले के बारसूर में आपका सूर्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता क्या है, ये प्रदेश का एकलौता त्रिमुखी, तीन मुख वाला, प्रदेश का एकलौता त्रिमुखी सूर्य मंदिर है। एक प्रतिमा जो है आपके पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, यानी खुले आसमान में एक पेड़ के नीचे एक प्रतिमा रखी हुई है जो कि लगातार आपकी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई संरक्षण नहीं किया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रदेश का एकमात्र तीन मुख वाला यानी कि त्रिमुखी सूर्य की प्रतिमा है, क्योंकि ये जो आपकी प्रतिमा बनी हुई है उसके नीचे आपके सात घोड़ों की भी आपकी अंकन है, सात घोड़े भी उकेरे हुए हैं उस पत्थर में। घोड़े यानी कि जो आपके घोड़े के रथ की जो सवारी है वो आपके सूर्यदेव करते हैं, ठीक। इस कारण से ये अनुमान लगाया गया है कि जो प्रतिमा है ये सूर्यदेव की प्रतिमा है, ये भी आपके छिंदक नागवंशीय कालीन प्रतिमा है। दूसरा 16 और 8 खंबा मंदिर, हम पढ़ते आ रहे हैं कि बत्तीसा मंदिर यानी कि 32 खंबा मंदिर। तो ये जो खंबा मंदिर और ये जो स्तंभ मंदिर है ये इसका प्रचलन, इस स्थापत्य कला का प्रचलन यानी कि आपका स्तंभ मंदिर और खंबा मंदिर की जो स्थापत्य कला है इसका जो प्रचलन है ये छिंदक नागवंशीय शासकों के काल में था। तो जिस प्रकार से आपके बत्तीसा मंदिर जो कि 32 खंबों का मंदिर था जो कि राज्य संरक्षित एक स्मारक है, वैसे ही आपका 16 खंबा मंदिर और 8 खंबा मंदिर भी आपका बारसूर में मौजूद है, लेकिन इसका कोई भी संरक्षण नहीं किया जा रहा। तो अभी हाल फिलहाल में प्रदेश सरकार के द्वारा इसका संरक्षण कार्य किया जा रहा है। इसमें से इंपॉर्टेंट है प्रदेश की एकलौती सूर्य की प्रतिमा, सूर्य मंदिर नहीं, इसे सूर्य प्रतिमा कर लीजिएगा, प्रदेश की एकलौती सूर्य की प्रतिमा जो कि बारसूर में मौजूद है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, एक है आपका पेदम्मा गुड़ी मंदिर, दूसरा है सूर्य की एकलौती त्रिमुखी प्रतिमा और 16 खंबा और 8 खंबा मंदिर जो कि आपके बारसूर दंतेवाड़ा में मौजूद है। नेक्स्ट है आपका बस्तर दशहरा बनाम ककालगुर ग्राम। देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले बार मैंने इसे ककागलुर ग्राम बता दिया था, ककागलुर नहीं, ये ककालगुर ग्राम है, ठीक। थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन में लास्ट टाइम जो है मिस्टेक हो गया था और मैंने गलत लिख भी दिया था। ये जो आपके ग्राम का नाम है ककालगुर ग्राम, ठीक। पिछले बार ककागलुर का पिछले वीडियो में जो है हमने इसे ककागलुर ग्राम पढ़ा था, लेकिन ये ककागलुर नहीं, आपका ककालगुर ग्राम है। देखिए ये है क्या, इसे ध्यान समझिएगा, बस्तर दशहरा जो है आपकी 600 साल पुरानी हमारे प्रदेश की परंपरा है, जो कि हमारे प्रदेश में नहीं विश्व में जो बस्तर दशहरा है इसका ये काफ़ी आपका प्रसिद्ध है। ये आपकी लगभग 75 दिनों तक चलने वाला यह दशहरा पर्व है जिसमें रावण का वध ना करते हुए यहाँ पर दंतेश्वरी माता की रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके लिए जो माता दंतेश्वरी का जो रथ है उस रथ का निर्माण आपके इसी ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत जो आपका वन क्षेत्र आता है उस क्षेत्र से लकड़ी ला करके माता दंतेश्वरी के रथ का निर्माण किया जाता है। लेकिन देखिए ये जो आपका बस्तर का जो दशहरा है ये अभी इस साल काफी विवादों में रहा। क्यों रहा, देखिए
इस ग्राम सभा के द्वारा, यानी कि इस ककालगुर ग्राम के द्वारा, जो इनकी जो ग्राम सभा है, इनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत इनके क्षेत्र, इनके वन क्षेत्र से कोई भी लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, किसी भी प्रकार की लकड़ी की कटाई इनके क्षेत्र से नहीं की जा सकती, चाहे वह दंतेश्वरी माता के रथ के निर्माण की ही लकड़ी क्यों ना हो। देखिए, ध्यान समझिएगा, एक्चुअली घटना क्या है इसे समझिए। ये जो आपका ककालगुर ग्राम है, इस ग्राम में आपका पेशा कानून और ये आपके पांचवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल तथा यहाँ पर आपका पेशा कानून लागू है। पेशा कानून का मतलब क्या होता है? पंचायत अधिसूचित क्षेत्र विस्तार, जिसके तहत ये अपनी ग्राम सभा के द्वारा ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं तथा इनके द्वारा लाए गए प्रस्ताव या पारित किए गए प्रस्ताव का प्रभाव वैसा ही होगा जैसे सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। ठीक, तो ये अपने ग्राम सभा के द्वारा इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत इनके गांव के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र से किसी भी प्रकार की आपके लकड़ी की कटाई या वृक्षों की कटाई नहीं की जा सकती। इनके द्वारा दिया गया कारण भी काफी वाजिब था। देखिए, ये जो आपका जो आपका ग्राम है, इस ग्राम के अंतर्गत आपका गढ़िया मलांग वन क्षेत्र आता है। गढ़िया मलांग वन क्षेत्र, जहां पर आपके काफी मोटे वृक्ष होते हैं, और ऐसे वृक्षों की जो आयु है ये 80 से 100 साल होती है। जो मोटे मोटे जो वृक्ष के जो तने होते हैं वो काफी मोटे होते हैं और इन वृक्षों की आयु 80 से 100 साल की होती है। तो इन 80 से 100 साल तक की आयु वाले वृक्ष की कटाई की जा रही थी इनके वन क्षेत्र से। देखिए क्या होता था कि प्रतिवर्ष इनके इन वन क्षेत्र से 50 से 60 पेड़ों की कटाई की जाती थी। मोटे वृक्ष जिनकी आयु 80 से 100 साल है, यानी कि एक वृक्ष को उतना बड़ा होने के लिए 80 से 100 साल का समय लगता था और हर साल 50 से 60 पेड़ों की जो कटाई है इनके क्षेत्र से की जाती थी। इसमें आपके काफी इमारती लकड़ी वाले भी आपके वृक्ष थे, जैसे आपके साल वृक्ष, सागौन वृक्ष, साजा वृक्ष, बीजा वृक्ष, तिनसा वृक्ष, ये सभी के सभी आपके इमारती लकड़ी वाले वृक्ष थे। तो इन, देखिए, हर साल क्या होता था कि बस्तर दशहरा के नाम पर यहां पर कटाई करने के लिए 100 से 200 जो ग्रामीण है इनके वन क्षेत्र में पहुंचते थे। बस्तर दशहरे की लकड़ी की कटाई के साथ साथ यहाँ पे ये जो इमारती लकड़ियों की भी कटाई करके, यानी कि उनकी अवैध कटाई करके, तस्करी करके बाहर बाजार में ले जा करके इन लकड़ियों को बेचा जाता था। तो इस पर रोक लगाने के लिए इस आपके ककालगुर ग्राम सभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इनके क्षेत्र पे वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक, देखिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आपके बस्तर दशहरा के जो आपके अध्यक्ष है दीपक बैज, जो वहाँ से सांसद भी है और जो आपके बस्तर के जो राजा है, आपके अभी वर्तमान में आपके कमल चंद्र भंजदेव वहाँ के राजा है, उनके द्वारा इन गांव इस ग्राम सभा से बात करके, उनसे विचार विमर्श करके यह निर्णय अंतिम रूप से लिया गया है कि इस साल रथ निर्माण होगा लेकिन अगले साल से ये जो आपका निर्णय है, इन क्षेत्रों से वन कटाई का जो निर्णय है, ये आपके ग्राम सभा यानी कि इस ग्राम के ऊपर निर्भर करेगा। यानी कि ग्राम सभा से जो है एक प्रकार से समझौता किया गया है कि इस साल क्या हुआ है कि इस साल सारी रस्म हो चुकी है, यानी बस्तर दशहरा का जो आपकी जो भी रस्म होती है, जैसे आपका पाट यात्रा पर्व हो गया, डेरी गंडाई पर्व हो गया, तो आधे से ज्यादा रस्म पूरा हो चुके हैं। अगर अभी कोई ग्राम सभा के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो इससे हमारे सालों पुरानी जो बस्तर दशहरा की जो परंपरा है उस पर बाधा उत्पन्न होगी। तो ग्राम सभा के द्वारा लकड़ी देने के लिए जो है वो मान गए, इस साल लकड़ी प्रदान किया जाएगा और इस साल माता दंतेश्वरी के आपके रथ का निर्माण भी इसी क्षेत्र की लकड़ी से किया जाएगा, इसी क्षेत्र के वृक्षों की लकड़ी से किया जाएगा। लेकिन अगले साल से ये जो निर्णय है ये पूर्ण रूप से आपके इस गांव के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इस गांव की ग्राम सभा चाहेगी तो बस्तर दशहरा के माता दंतेश्वरी के रथ के निर्माण के लिए वो लकड़ी देगी, अगर वो ग्राम सभा नहीं चाहेगी तो लकड़ी वहां से नहीं लिया जा सकता। ठीक, अगले साल कोई दूसरे आपके उपाय निकाले जाएंगे, या तो जैसे इस साल आपके बस्तर के राजा के द्वारा सोचा गया था कि पुराने ही रथों का बार बार उपयोग किया जाए, वैसे निर्णयों पर विचार किया जाएगा अगले साल से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सिरकट्टी आश्रम जो कि राजिम के समीप मौजूद है आपके पांडुका ग्राम गरियाबंद जिला। ठीक, यहां पर मौजूद है आपके सिरकट्टी आश्रम। ध्यान समझिएगा, इस आश्रम का नाम सिरकट्टी क्यों पड़ा? पैरी नदी के तट पर यहां पर जो है आपकी बहुत सारी सिरकटी हुई प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी। पैरी नदी जो कि महानदी की एक सहायक नदी है, तो इस पैरी नदी के तट पर बहुत सारी आपकी सिरकटी हुई, यानी कि सिरकटी हुई बहुत सारी आपकी प्रतिमाएं इस
के पैरी नदी के तट पर प्राप्त हुई थी और इसी क्षेत्र में बनाया गया है एक आश्रम जिसका नाम है सिरकटी आश्रम। ये प्रतिमाएं कब की है, कितने साल पुरानी है, इसका तो कोई अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है जिसे आपको याद रखना है कि इस पैरी नदी के तट पर, इसी सिरकटी आश्रम के पास, इस पैरी नदी के तट पर पहले बंदरगाह होने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, काफी समय पहले आपके इस पैरी नदी के तट पर बंदरगाह हुआ करता था, एक जलमार्ग हुआ करता था, ऐसे कुछ साक्ष्य हमें इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। इस पैरी नदी के तट पर आपके पत्थर के गोदी नुमा आकृति प्राप्त हुई है, पत्थर की गोदी नुमा आकृति, गोदी नुमा यानी गोदी बाड़ा, जो जहाजों को रखने के लिए जो स्टैंड बनाए जाते थे, तो वैसे आपके पत्थरों के कटे हुए गोदी नुमा आकृति प्राप्त हुई है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये जो पैरी नदी का जो तट है, यहां पर पहले एक जलमार्ग, एक बंदरगाह हुआ करता था, क्योंकि यहां पत्थरों में कुछ गोदी नुमा आकृति पाई गई है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्राचीन शिव मंदिर। प्राचीन शिव मंदिर जो कि मौजूद है आपका गड़िया ग्राम बस्तर में, बस्तर के गड़िया ग्राम में मौजूद है एक प्राचीन शिव मंदिर जिसका निर्माण आपके छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम के द्वारा 1097 ईस्वी में किया गया। देखिए, बस्तर के इस गड़िया ग्राम में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। शिव मंदिर का केवल ढांचा, मंदिर केवल मंदिर मौजूद है, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी आपकी प्रतिमा नहीं है। ये जो यहाँ पर एक हमें एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि कन्नड़ भाषा में है, जिससे यह पता चलता है कि यह एक शिव मंदिर है तथा इसका निर्माण जो है आपके छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम ने करवाया था। इस शिलालेख में मंदिर निर्माण कराए जाने वाले लोगों के नाम तथा इस मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, उन सभी के नाम इस कन्नड़ भाषा के शिलालेख में आपके उत्कीर्ण है। ठीक है, देखिए, कुछ समय पहले यानी कि कुछ सालों पहले, 10 से 12 साल पहले, जो जगदलपुर संग्रहालय के द्वारा इस शिलालेख को जगदलपुर संग्रहालय में ला करके वहां पे जमा करके संरक्षित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन स्थानीय जो ग्रामीण है इस शिलालेख को जो है आपके भगवान स्वरूप मान करके, यानी कि इसे एक पूजनीय पत्थर मान करके इसे लिजाए जाने की अनुमति वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं दी गई, यानी कि गाड़ी में इसे रखा गया था और गाड़ी से उतरवा लिया गया इस शिलालेख को। तो ये शिलालेख आज भी मौजूद है जो कि आपके ध्वस्त होने की अवस्था में है। ठीक, तो ये भी आपके शिलालेख जो कि कन्नड़ भाषा का शिलालेख है, और इस शिलालेख से पता चलता है कि जो आपके बस्तर में, जो गड़िया ग्राम में जो एक शिव मंदिर, जो प्राचीन शिव मंदिर है, उसका निर्माण आपके छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रदेश का सबसे बड़ा मछली एक्सपोर्टर मतलब निर्यातक। देखिए, अभी जो हमारे प्रदेश का जो हसदेव बांगो जो डैम है, हसदेव बांगो जलाशय जो कि कोरबा जिले में है, यहां पर प्रति वर्ष 3000 टन मछली उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। 3000 टन मछली उत्पादन की व्यवस्था, यानी कि केज कल्चर के माध्यम से। केज कल्चर, एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि केज कल्चर किससे संबंधित है, तो मछली पालन से संबंधित है केज कल्चर। देखिए, जो आपके जलाशय है, जलाशय में आपके बहुत बड़ा एक ऐसे जाल का एक केज, एक पिंजरा टाइप का बनाया जाता है और उसमें मछली पालन किया जाता है। तो अभी इस हसदेव बांगो डैम में जो है आपके ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रतिवर्ष इस हसदेव बांगो जलाशय से आपके 3000 टन वार्षिक तौर पर आपके मछली का उत्पादन किया जाए। अगर ऐसा संभव होता है तो ये जो है हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा मछली एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक आपका जलाशय बन जाएगा। केज कल्चर के माध्यम से आपके 1000 केज इस आपके हसदेव बांगो जलाशय में लगाए जा रहे हैं और इसमें झींगा पालन भी किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रभा यादव जो कि आपके वेदमती शैली की पंडवानी गायिका है। इस प्रभा यादव के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि ये हमारे प्रदेश की एकलौती वेदमती शैली में पंडवानी की गायन करने वाली गायिका है। केवल इन्हीं के द्वारा यह दावा किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, जो आपके पंडवानी के जो पितामह कहे जाते हैं आपके झाड़ूराम देवांगन जी की यह शिष्या है जो कि पंडवानी का गायन करती है, और किस शैली में करती है, वेदमती शैली में। देखिए, प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वेदमती शैली यानी कि प्रभा यादव का संबंध किससे है, तो प्रभा यादव ध्यान दीजिएगा, यह आपकी वेदमती में पंडवानी की गायिका है। नेक्स्ट है आपका पूरण झोकरा जो कि आपके ढोकरा शिल्पकार है। ठीक है, हमारे प्रदेश में जो आपके बस्तर अंचल में और सरगुजा अंचल में जो आपके ढोकरा शिल्प का जो प्रचलन है, तो उस ढोकरा शिल्प मतलब धातु को गला करके उसकी जो आकृति बनाई जाती है वो कहलाती है आपकी ढोकरा कला। तो उसके शिल्पकार है जिनका नाम है आपका पूरण झोकरा। प्रश्न पूछा जाएगा कि पूरण झोकरा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो एक ढोकरा शिल्पकार है। तो आज के लिए करंट अफेयर में फिलहाल इतना ही। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।